सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, Asus ने अपने लेटेस्ट फोन Asus Zenfone Max Pro M2 को लॉन्च कर दिया है। और जो Asus Zenfone M1 था वो मेरे पास ये है। इस फोन ने काफी अच्छा कमाल किया था, ठीक था अपने बजट के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ शिकायतें थी। उन सभी शिकायतों को कर दिया उसने दूर और उसने लॉन्च कर दिया Asus का Zenfone Max Pro M2 नाम। तो आज मैं इसी फोन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस फोन में क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, M2 Pro में आपको मिल जाता है 6.2 इंचीज का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो M1 में आपको इतनी मजबूत स्क्रीन नहीं मिलती थी, लेकिन M2 में आपको सीधा गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन के साथ डिस्प्ले मिल रही है। और ये फोन आपका मिल जाएगा एंड्रॉइड 8.1 पे काम करेगा, जो कि एकदम स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड फोन होगा। और इस फोन में आपको जो प्रोसेसर मिल जाता है वो मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, यानी कि M2 में आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। और कैमरे की अगर बात करें तो आपको बैक में मिल जाता है 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो अपर्चर 1.8 पे काम करता है, लेकिन जो आपका दूसरा कैमरा है यानी कि 5 मेगापिक्सल वाला, वो आपका अपर्चर 2.4 पे काम करता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर अपर्चर जितना कम हो फोन उतना ही अच्छा होता है लो लाइट फोटोग्राफी करने में। तो उसमें आपको जो अपर्चर मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसमें आपको 1.8 अपर्चर मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। और जो इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है वो मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का, जो कि आपका अपर्चर 2.0 के साथ आपको मिल जाएगा। और जिस तरीके से M1 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती थी, जो कि बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर पाती है, उसी तरीके से आपको इसमें भी क्या है कि 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें कमाल की बात आपको ये लगेगी कि 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद ये फोन इतना भारी नहीं है, सिर्फ 175 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाता है। तो ये कमाल की चीज है कि 5000 mAh की अगर पावर बैंक लेते हैं हम लोग तो उसका वजन कितना ज्यादा होता है, लेकिन Asus के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ 175 ग्राम के फोन में 5000 mAh की बैटरी को इंस्टॉल कर दिया। और अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो यह फोन आपको तीन ऑप्शन में मिल जाएगा। एक मिल जाएगा 3GB 32GB इंटरनल के साथ, यानी कि उसका प्राइस होगा आपका 12,999, यानी कि 13,000 का फोन मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक मिलेगा 4GB 64GB वेरिएंट, वो आपका मिल जाएगा लगभग 15,000। और उसके बाद अगला वेरिएंट जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6GB 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आपका 17,000 के आसपास मिल जाएगा। और इस फोन को आप क्या कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर पाएंगे। और अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको FM का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है इस बजट में। और आपको इस फोन में एक और चीज अच्छी मिल जाती है कि इसमें आपको जो स्पीकर मिलता है M1 में भी अच्छा है, यानी कि स्पीकर लाउड है, मैग्नेटिक स्पीकर बोलते हैं इसको, तो इसमें एक आपको लाउड स्पीकर मिल जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें क्या है कि जो कैमरा है कैमरे को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि जो M1 फोन है उससे बेटर कैमरे को इसमें इंस्टॉल किया गया। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया गया कि M1 का जो फिंगरप्रिंट था वो कुछ हद तक स्लो था, ऐसी कुछ लोगों की शिकायतें थी, तो M2 में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, यानी कि उसका जो फिंगरप्रिंट है वो काफी फास्ट काम करता है। स्टॉक एंड्रॉइड पे काम करने वाला फोन है, यानी कि इसमें फालतू की चाइनीज एप्लीकेशंस वगैरह नहीं मिलेंगी, तो एक बेहतरीन फोन हो सकता है जिनको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। और बात करें इसमें क्या नहीं मिलता इस फोन में, तो इस फोन में आपको एक तो प्लास्टिक की बॉडी मिल जाएगी। M1 आपको मेटल बॉडी के साथ मिलता है, लेकिन ये आपको प्लास्टिक की बॉडी के साथ मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक बॉडी भी आपकी शाइनिंग प्लास्टिक है, यानी कि जो फीलिंग आएगी आपको वो दिखने में काफी अच्छा दिखने वाला है फोन। और साथ में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता, फास्ट चार्जर इसमें भी नहीं मिलता और फास्ट चार्जर आपको उसमें भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर मैं फाइनल बात ये करूं तो यानी कि अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बैटरी ज्यादा एमएच की हो, यानी कि आपका 1 से 2 दिन तक आपका साथ निभाए, तो आप Asus का Zenfone Max Pro M2 को ले सकते हैं, ये एक बेहतरीन डील आपके लिए हो सकती है। नहीं तो इसके ऑप्शन में और भी कई फोन मिल जाएंगे आपको, जैसे Redmi Note 6 Pro है, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की हुई है चैनल पे, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी फोन मिल जाएंगे आपको, जैसे Realme का U1 ले सकते हैं। तो ये कई फोन है जिससे इसकी टक्कर होने वाली है, तो देखते हैं ये फोन कितना कमाल मचा पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिल की प्यारी बातों को कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।